इसका मैं इसमें स्वर में गा देता हूँ, सब लोग सुन लो इसको। गा ही रखा है, नी सा रे मा पा, नी सा, स्केल बी है, बी स्केल, सा नी दा पा धा मा पा गा मा पा गा मा रे सा नी सा रे रे मा मा पा गा मा रे नी। ये है चार ताल में, इसमें लिखा हुआ है ना चौताल लिखा हुआ है ऊपर से, श्याम कल्याण चौताल विलंबित लिखा हुआ है, इसका मतलब चौताल का मतलब चार ताल, ये ध्रुपद है, ठीक है। तो चार ताल सभी को मालूम है, दा दा दिंता किट, दा दिंता किट कत गधिगन, ठीक है। चार ताल और एक ताल में केवल इतना फर्क है, बोलों का फर्क है, ताली और खाली सेम है, ठीक। तो चार ताल और एक ताल में केवल बोलों का फर्क रहता है, ताली खाली मात्राएं सेम है, बारह बारह मात्रा की दोनों ताले हैं, लेकिन दोनों तालों में फर्क इतना है कि अब केवल इन दोनों में बोलों का फर्क है। ये पखौज में और ध्रुपद के साथ ही बजाई जाती है जो चार ताल है, और एक ताल है ख्याल के साथ बजाई जाती है, ठीक है। अगर परिचय लिखना कभी आए तो आप ये सब भी लिख सकते हैं इसमें। चार ताल और एक ताल में दोनों का फर्क इतना है कि दोनों में बोलों का फर्क है, दोनों के बोल अलग अलग हैं, दोनों बारह मात्राएं की ताले हैं, ताली खाली सेम है, दा 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 दिन ता टेट धा दिन ता टेट कत गदी गन धा, ठीक है। चार ताल की तरह एक ताल की तरह इसकी ताली खाली लगेगी, केवल बोल अलग हो जाएंगे, सभी को मालूम है। तो एक मात्रा पर एक स्वर बोलना है आपको, इसकी जो दुगुन आएगी वो सम से ही स्टार्ट होगी, तिगुन जो होगी वो आठवीं मात्रा से स्टार्ट होगी, और चौगुन जो होगी सम से ही स्टार्ट होगी। एक मात्रा पर एक बोलना है, एक स्वर को एक मात्रा पर ही बोलना है। पहली लाइन दोबारा, अब इसके स्वर भी याद कर लीजिए साथ साथ में, क्योंकि आपको ध्रुपद लिखने के लिए भी आता है। मा मा रे नी नी सा रे मा
सा दूसरी लाइन गोपिया ब्रज साथ में देख के गाते रहिए, जो बंदिश है उसको देख के गाते रहिए साथ साथ में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लाइकी
ठीक है। इस लय पे गाना है आपको, तो अब इसको दुगुन करेंगे। सम से ही स्टार्ट हुआ है, जहां से आई है बनठन वहीं से सम से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। तो एक मात्रा पर अब दो स्वर बोलने हैं आपको, दुगुन का मतलब एक में दो, ठीक है। आई है बनठन सब, एक दो ये ले रखनी है, ठीक है। आई है बनठन सब, पहली लाइन की दुगुन होगी। आई है बनठन सब गो लाइन देखिए, गोपिया ब्रज की बाट तत वन की, तीसरी लाइन दुगुन गालोगे, ठा गा के एक लाइन की ठा गा के उसके बाद दुगुन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इजी रहेगा गाने में, पहले ठा गाओ एक लाइन आई ब्रज की
से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक लाइन था गा के उसके बाद दुगुन स्टार्ट करना है। आई है त्रिगुण की बात। अब आनी है त्रिगुण की बात, तो त्रिगुण की बात कैसे आएगी? आठवीं मात्रा से, ठीक है? तो एक में तीन बोलना है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये त्रिगुण रहेगी इसकी, ठीक है? एक दो तीन, 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 इसमें रखिएगा, ठीक है? आई है बन ठन सब गोपिया गज की बाट तत आवन की जसुमती के लाल की आ, ये लय चलेगी, ठीक है? एक दो तीन आई, एक मात्रा होगी, मामा रे, एक दो तीन आई आई है बन ठन सब गोपिया गज की बाट तत आवन की जसुमती के लाल की आ। त्रिगुण बताई मैंने आठवीं मात्रा से, यानी कि आ
ठीक है, ब न के बाद स्टार्ट कर देनी है आपको तिगुन। सर बोलना है, ठीक है, तो इजी रहेगा। Hey.
सा सा नी ध प म ग रे सा रे रे प म प द प रे ग रे बन बंसी धर